दोस्तों, आप लोगों ने चंद्र ग्रहण के बारे में बहुत ही सुना होगा कि चंद्र ग्रहण लगने वाला है। आखिर ये चंद्र ग्रहण होता है क्या है और ये कैसे काम करता है, चलिए जानते हैं। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रच्छाया में आ जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हो। जब ज्यामितीय प्रबंधन के कारण चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को घटित हो सकता है। चंद्र ग्रहण का प्रकार एक अवधि चंद्र असंधियों के सापेक्ष चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। चांद के इस रूप को ब्लड मून भी कहा जाता है। चंद्रमा चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद से पहले काले और फिर धीरे धीरे सुर्ख लाल में तब्दील हो जाता है। किसी सूर्य ग्रहण के विपरीत, जो कि पृथ्वी के एक अपेक्षाकृत छोटे भाग में ही दिख पाता है, चंद्र ग्रहण को पृथ्वी के रात्रि पक्ष के किसी भी भाग से देखा जा सकता है। जहां चंद्रमा की छाया की लघुता के कारण सूर्य ग्रहण किसी भी स्थान से केवल कुछ मिनटों तक ही दिखता है, वहीं चंद्र ग्रहण की अवधि कुछ घंटों की हो सकती है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण को सूर्य ग्रहण के विपरीत आँखों के लिए बिना किसी विशेष रक्षा के भी देखा जा सकता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण की उज्ज्वलता पूर्ण चंद्र से भी कम होती है। आमतौर पर आइए समझते हैं चंद्र ग्रहण को। हालांकि ये चंद्र ग्रहण जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है, इस ग्रहण के लगने के समय से 12 घंटे तक सूतक काल चलता है। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है तब चंद्रमा का रंग पूरी तरह से लाल रंग का नजर आने लगता है और चंद्रमा के धब्बे भी दिखाई देने लगते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक सूतक काल में सभी धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य करने की मनाही है। इस दौरान कुछ भी खाने पीने, मंदिर छूने की मनाही है और चंद्र ग्रहण को देखना भी अशुभ माना जाता है। खास तौर से गर्भवती स्त्रियों को चंद्र ग्रहण देखने की मनाही है और इसे देखने के कई नियम हैं। अमेजिंग फैक्ट के लिए फन फैक्ट एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कर लाइक